Morning students, this is your English class. I am your faculty of English, Amit Jha. So we are going to start a new topic, tenses. ठीक है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा problem होती है, बच्चे कई बार exam देते time tenses या sentence formation में आप लोग गलतियाँ करते हैं, तो आपके लिए ये special class है tenses के लिए कि आप sentence को paper में sentence बना रहे हैं, आप उसमें कोई गलती ना करें, तो इसीलिए ये class आपके लिए specially लाई गई है. चलिए, let us start. सो टेंसेज, बेसिकली टेंसेज क्या होते हैं? टेंसेज वो होते हैं जिसमें हम अपने सेंटेंस को देखते हैं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर का है. ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट टेंस. देयर आर टोटली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस. सेकेंड इज पास्ट टेंस. एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. सो इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, इसमें हमको यह पता लगता है कि ऐसी चीजें या ऐसी बात है, ऐसा कोई भी एक्शन जो एट प्रेजेंट प्रेजेंट में चल रहा हो. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Dear students, there are basically a type how to make a sentence, how to make a structure of sentence. So basically there is a basic type of to make a sentence, that is subject plus verb plus object. देखिए, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन सी इट लेटर दैट कि आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे. वो सारी चीज़ें आप उसको बिल्कुल पॉज करके, आप कोई चीज पॉइंट समझ में नहीं आया उसको अगर दोबारा समझना है तो आप उसको वीडियो को बैक जाएं, पॉज करें, फिर से वहां से उसको देखना स्टार्ट करें. कोई प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली फिर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द ओनली बेसिक स्ट्रक्चर टू मेक अ सेंटेंस. सेंटेंस फॉर्मेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. बेसिकली आपको छोटी सी बात बता दूं कि वर्ब बेसिकली देयर आर टू टाइप्स जो हम पढ़ते हैं बेसिकली स्कूल लेवल, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. तो हम जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इस फॉर्मूले पर बेस बनाएंगे. द सेंटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. सो द रिकॉग्निशन या पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस इज इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस. इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में हमें ता है, ते है, ती है, ता हूं और ती हूं, ये हमारे पास जब भी कभी किसी सेंटेंस के लास्ट में हमको मिले, या इफ यू लव टू स्पीक दिस वर्ड्स इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, then this sentence, yeah, these kind of sentences is known as present indefinite tense. So the structure of is the structure of making this kind of sentences is structure subject plus verb plus object. Okay, basically kya hai verb first form or first form plus SES plus object. So dear students, as all of you know and many of the students know that the way we use verb first form and verb the first form of SES, all of you must know about it. What is the difference between V1 and V1 plus SES? So, with plural subject, if your subject is plural, then all of you will use verb first form. And if your subject is singular, then all of you will use V1 plus SES.
Let us take an example. This is the first structure. There are total basically of 4 to 5 types of structure there. 5 to 6. Let us take an example. P. Ram. Football. Khelta hai. राम फुटबॉल खेलता है. सो बेसिकली हम इसको अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे. हमारे पास सेंटेंस में सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट. सो इफ वी नो अबाउट द सब्जेक्ट एंड सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू रिकॉग्नाइज व्हिच इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब इन अ सेंटेंस. सो ऑल ऑफ यू विल टेल मी दैट व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. यस, राम. राम इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, दैट राम. So, please tell me what is Ram? It is a singular subject or plural subject? Ram is singular subject hai ya plural subject? Yes, some of you said singular subject. That is correct. So, if it is a singular subject, then which kind of verb we are going to use in this sentence? V1 plus SES. So, what is the verb of this khelta hai? What is the verb of this khelta hai? Please, very good. All of you are good students. Please. Whether it is play or plays, that is plays. Okay? We will not use plays, but it is a plural verb and we will use this with singular verb because our subject is singular and we will use this singular verb. So, Ram plays. Let me correct it. Ram plays. So, what is our object? Yes. Football. Very good. See, this is a simple sentence. जो हम इसको हम कहते हैं, this is a simple sentence, positive sentence इसको हम चलते हैं. उसके बाद बेटा देखिए, there are basically 3 to 4 types of sentences are there. That is simple sentence, negative sentence, question mark वाले sentences होते हैं जिसको हम interrogative sentence कहते हैं. समय there one more type is that negative plus interrogative sentence. Should I write it out? Okay, you may not. That is your first type. Second type is negative. In negative sentence, we use do and does as verb, helping verb. Subject plus do or does plus not plus first form of main verb plus object. Subject, do or does, not, first form of main verb and object. If we are going to make this sentence as interrogative sentence, so take these verbs and put it in front of this subject. Do or does plus subject plus not. Thus, first form of main verb plus object and question mark, sign of question mark. This is your negative plus interrogative sentence. One more type is there. Only interrogative. So, we remove this not from here. हम इसमें से इस not को हटा देंगे और ये हमारा बन जाएगा फिर interrogative sentence. Do or does plus subject plus first form of main verb plus object. देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, do or does भी लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो main verb हमारे पास होती है उस main verb में बच्चे यहाँ पर भी s और es का यूज करते हैं या कई बार second form या third form का यूज करते हैं. देखिए बच्चों, basically आपको एक बात बतानी चाहिए, जब भी आप sentence में do या does का यूज करते हैं तो यहाँ पर जो verb यूज होती है, ठीक है, वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी. यानी कि वो जो हमारी वर्ब रहेगी मेन वर्ब रहेगी और वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ना सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं रहेगी. दैट विल बी बेसिकली योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर मेन वर्ब.
चलिए अब एक बात और बता दें आपको, इन दो को मिला करके एक टाइप और निकल के आता है। अगर मैं इन्हीं के साथ इफ आई कनेक्ट डब्ल्यूएच फैमिली वर्ब, इफ आई कनेक्ट डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स, सो मेरे पास एक टाइप में और मिल जाते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड को लेकर के नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को लेकर के इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इज इट क्लियर? देयर अब हमने क्या पढ़ा है, बेसिस देयर सिक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल फ्रॉम दिस। अब हम अपना एक ही एग्जांपल देखेंगे, और एक ही एग्जांपल को छह टाइप्स ऑफ सेंटेंस बना करके देखते हैं जो हमने भी टोटल पर एग्जांपल लिया था। राम फुटबॉल खेलता है। चलिए राम ही लेते, राम बहुत पुराना नाम है, नया मॉडल। मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, उससे मैं आपको मिलवाता हूँ। हिज नेम इज दिस, चलिए तो इस सेंटेंस को सबसे पहले हमको एकदम सिंपल सेंटेंस बनाना है। हमारा मन देखेंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज द सब्जेक्ट इज दिस, दिस आर सब्जेक्ट, this is our object and this is our verb। चलिए अब हम इसको बनाते हैं according to this। subject is कल्लू, player plays very good, plays football, fine, well, so if we make this in negative sentence, then Kallu do or does, that is does, because SES 100 ko jo sare exercise ko leke chal rahi hai, so we'll use does not, first form of this main verb ki first form play। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें आप प्लेज नहीं यूज करेंगे, आप एस एस ऑलरेडी यहां पर यूज कर चुके हैं, सो इट विल बी प्ले फुटबॉल। ओके, इट इज इंटरोगेटिव नाउ, डज, देखिए पोजीशन चेंज करेंगे सिर्फ इन दोनों की, हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। ठीक है, सिर्फ दो चीज की हमने पोजीशन चेंज कर दी, अपनी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, अगर एक भी पोजीशन आगे पीछे कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन के आता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज कल्लू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप भी गड़बड़ कर देते हैं इस प्ले की जगह पर, वो देखते हैं कि ओ माय गॉड यहां पर हम पहले से प्लेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वो बच्चे क्या यूज करते हैं, वो प्लेस यूज करते थे जबकि उनको नहीं पता कि यहां पर डस्ट आ गया, उसके साथ आप एस ई एस यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप ओनली एंड ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहां पर अगर आप प्लेस या कोई और वर्ब यूज करना चाह रहे हैं तो वो गलत है। अब इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, ओनली इंटरोगेटिव, डज कल्लू प्ले फुटबॉल, ठीक है, हमारा सेंटेंस हुआ हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो हमने अभी एक और टाइप देखी थी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स को लेकर, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
तो अब हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को ही मैं देखता हूँ, अगर मैं इन्हीं के साथ, ठीक है, अगर मैं इन्हीं के साथ मैं जो लिखता हूँ कि वाई वाई डज कल्लू नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए बेसिकली क्या किया है हमने कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जोड़ करके उन्होंने रीजन को जानने की कोशिश की, ऐसा क्यों हुआ रहा है, या फिर टाइम को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या ऐसा क्या होता है, ठीक है। रीजन और टाइम को जानने के लिए जो यूज करते हैं वो हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को लगा करके जानने की कोशिश करते हैं, या कई बार हम किसी ऑनर के लिए, मालिक के लिए, किसी ऑब्जेक्ट फॉर्म को सर्च करना होता है, फाइंड करना होता है, तो उसके लिए भी हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स को ही यूज करते हैं। अगर हमको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है इंटरोगेटिव में तो हम उसको डू या डज से बना करके चलते हैं। व्हाई डज कल्लू नॉट प्ले फुटबॉल। एंड अब हम ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड वी आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस इन ओनली इंटरोगेटिव फॉर्म दैट व्हेन, ठीक है, मैं व्हेन से बना रहा हूं उसको, व्हेन डज कल्लू प्ले फुटबॉल। चलिए तो हमने बेसिकली जो हमने सिक्स टाइप देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है, हमने छह टाइप देखे हैं। तो आपके लिए आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया, एंड आपसे मैं एक या दो क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। अब अपने आप से वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आप से अब आप ये क्वेश्चन थोड़ा बना करके देखिए अपने आप से कि आपसे कितनी प्रैक्टिस हुई, आपको कितना समझ में आया है। देखिए मैं आपको दे रहा हूँ दो क्वेश्चन, अभी आपको अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना है और अपने आप से इसको सॉल्व करना है कि सुमन गाना गाती है, सुमन गाना गाती है और बच्चे पढ़ाई नहीं करते। अभी जो मैंने आपको छह के छह स्ट्रक्चर और सेंटेंस से बताए थे, आपको उन्हीं बेस, उन्हीं चीजों पर बेस करके ही आपको ये सारे सेंटेंस दिए, आपको मैंने दो एग्जांपल दिए करने के लिए, वही आपको इन्हीं पर बनाने हैं ये पूरे पूरे छह टाइप्स।